ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਵਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा देख लो इन्ने लोग इन्हू देख रहे, कोई दे मुंह ते हासा नहीं है, कोई कुछ नहीं, कितना सीरियस बंदा है। देख लो ते मजे दी गल ए है कि सारियां ट्रैम्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुसी जिथे मर्जी आके ते ट्रैवल कर सकदे हो। ते जिहड़ा 2 नंबर लिखिया इहदा मतलब सेकंड क्लास है, फर्स्ट नंबर लिखिया इहदा मतलब फर्स्ट क्लास है। जिथे सुशी फूड मिलता है, मेरे कोई मतलब दा है नहीं, जिहड़ा खांदा होएगा खा ले, मैनूं तां पसंद नहीं सुशी फूड। इत्थे दी चॉकलेट्स ने तां वट कड्डे पए ने, मैं कल थोड़ी जी चॉकलेट लई है। ट्रांजैक्शन हो गई, जे किसी का कार्ड इतने उत्थे हो गया तो ट्रांजैक्शन के मैसेज ही आने ने फिर उसके कोल। ब्लॉग बना रहे हैं, लग रहा पता नहीं कितनी कमाइयां हो रही हैं। आ बिल्कुल मार्बल स्टाइल दे बनी हुई है, मतलब मार्बल लुक है। इसके अंदर ना मतलब कि कुछ रेजिंग के शैनगन वीजा की तुम्हें कोई इनफॉर्मेशन चाहिए होगी तो तुम अपना मेरे इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स से आके पूछ लेना। ये देखो यार इधर भी जरा ना मतलब कि होमलैस पीपल हगे ने। जे मैं 15 मिनट पहले उठ जाता ना अज तो मैं पहले वाली ट्रेन लै लैने से। मतलब इतने ज्यादातर ना तुहाडे कोल कार्ड जरूर होना चाहिए, बिना कार्ड का गुजारा है नहीं। हाँ जी, तो दोस्तों सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अमन, तो अज है जी 28 सितंबर, तो टाइम हो रहा जी 9:45। तो मैं इस वेले हैगा जी बेलजियम के जी मेन कैपिटल है ब्रुसल दे विच, ते इतों मैं जा रहा लग्जमबर्ग, जिहड़ा कि सिर्फ 3 घंटे की डिस्टेंस से हैगा। तो मेरे जिहड़े होटल तो है ना, मतलब जिहड़ा रेलवे स्टेशन है वॉकिंग डिस्टेंस से हैगा तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर। तो इस करके अज मैं थोड़ा जल्दी प्लैन कर लिया। वैसे तो मेरी ट्रेन मतलब अलग अलग टाइम पर हैगी सी, जिवें 6:30 बजे की ट्रेन सी, 7:30 बजे की ट्रेन सी, बट राती बहुत थकिया हुआ सीगा, टायर्ड सीगा बहुत ज़्यादा, तो ता करके थोड़ा जा जल्दी अर्ली मॉर्निंग का हो नहीं पाया। इस करके जी मेरी ट्रेन है ना वो 9:30 बजे की है, तो 12:30 बजे के आस पास उन्हें पहुँचा देना है। तो 5-6 घंटे उधरों घूम के शामी अपना जोड़ा वापस जोड़ा मैं ब्रुसल आ जाऊँगा। तो ये मेरा प्लैन बिल्कुल सडनली बनया, तो वह क्यों बने प्लैन किमें बने तो मैं सारा थोड़ा ना ट्रेन के बैठ के अपना बना के वीडियो दसूँगा कि किस हिसाब न मेरा प्लैन बने। और अगर तुसी भी ब्रुसल तो लग्जमबर्ग घूमना चाह रहे हो तो उदी की ट्रेन की टिकट है, फर्स्ट क्लास सैकेंड क्लास वाले दी। मेरे को ग्लोबल पास हैगा सीगा, तो मैं उधरों उदे थ्रू ही अपना जड़ा ना की कहिंदे बुकिंग वगैरह कर ली सी। तो बाकी हुण मैं हैगा जी रास्ते दे विच, ते रेलवे स्टेशन पहुँच के ते अगे मैं तुहानू दसूंगा कि भाई किदां किदां तुसी जड़ा प्लैन कर सकते हो। अगर वन डे वास्ते घूमना चाह रहे हो तो अगर तुसी अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हो शामी मतलब अराउंड 6:30 बजे, तो तकरीबन 10 बजे के आसपास 9:30-10 बजे के आसपास तुसी उत्थे जिहड़ा ना पहुँच जाओगे। अपना डे टाइम दे विच तुसी उत्थे जिहड़ा लग्जमबर्ग सिटी वगैरह घूम सकते हो, सिटी वगैरह घूम के बाकी वापस तुसी ब्रुसल आ सकते हो। और अगे अगर तुसी होर किधरे जाना है तो होर किधरे का भी अगे का तुसी जिहड़ा प्लैन जिहड़ा वो कर सकते हो। तो बस हुण मैं पहुँच गया रेलवे स्टेशन दे कोल ही, तो बाकी उत्थे पहुँच के तो अगे दी मैं वीडियो शूट करांगा। तो जुड़े रहना इस वीडियो दे इस ब्लॉग दे विच। बड़ा वधिया मौसम होया पिया, अज मैं स्वैटशर्ट पा ली क्योंकि ना ठंड लग रही थी सवेरे, थोड़ा जहा मतलब मौसम इदा का सीगा ना कि टी शर्ट्स वगैरह मैं लैके ज़्यादा आया, स्वैटशर्ट मेरे को घट है। तो अर्ली मॉर्निंग निकलना सीगा ता करके मैं अज जरा स्वैटशर्ट पा ली, अदरवाइज मैं ज़्यादातर ना वो ही लैके आया की कहें टी शर्ट्स वगैरह। तो हूँ जाके देखते हैं लग्जमबर्ग सिटी कितनी वधिया है, क्योंकि दुनिया की सब सैकेंड लार्जेस्ट रिचेस्ट सिटी हैगी है। तो उत्थे दी ट्रांसपोर्टेशन भी जड़ी है ना फ्री है, मतलब कि बस कारा वगैरह कारा तो नहीं है बट बस हो गई ट्रैम्स वगैरह होगी, जी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो सारी फ्री है उत्थे। तो बाकी हुण जाके देखते हैं उत्थे साफ सफाई किन्नी है, तो कितने दे मतलब किवें लोग अपना रहिंदे खांदे पींदे लाइफ स्टाइल कितना उन्हां दा ना, तो सारी चीज़ा उत्थे दी एक्सप्लोर करांगे। गाइज इत्थे ना अपना ब्रुसल दे विच वी इदां दे ट्रैम्स ट्रैक्स वगैरह जिहड़े ने रोड ते बने हुए ने, ते तुसीं इह देख सकदे हो कि और सामने ट्रैम खड़ी है, तो ये ट्रैक है। तो उपर जड़ा ना वो रेलवे स्टेशन की लाइन हैगी है, ये वाली पूरी रेलवे स्टेशन की लाइन है। तो वो सामने जड़ा तुसी देख रहे हो सामने वाला ये वाला जड़ा एरिया ना ये रेलवे स्टेशन है। तो ना मेरे जड़ा रेलवे स्टेशन है ना मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से ही है, तो मैं पहला ही अपना चैक कर लेना कि भाई ज़्यादा तुरना फिरना ना पाए, क्योंकि लगेज इन्ना ज़्यादा है ना कि भाई पहले रेलवे स्टेशन आके
क्योंकि जो नवी कंट्री आने ना तो पता होंगे नहीं गा ज़्यादा है ना कि टिकट मतलब बस तो मिलनी है कुछ करनी है जो भी कुछ है और जदों तक मैं अपना तरीका दस रहा जब तक मैं आप एक्सप्लोर नहीं करता ना तां तक अपना पता मतलब मज़ा नहीं आता अपना चीज करन दा। ते मैं कोशिश ये करदा कि मैं पहले होटल पहुँच जा लगेज वगैरह रख दा लगेज रख के उदो बाद फिर मैं बाहर निकलूँ सारी चीज़ा पूछा कि भाई की हिसाब किताब है इतने का है ना। तो बाकी अगर तुसी मैट्रो स्टेशन किसी होर कंट्री दे जाना चाहते हो ना तो तुहाडे को मतलब इधरों भी अपना तुसी टिकट लै सकते हो ऑन द स्पॉट बट इतने ज़्यादातर ना तुहाडे कोल कार्ड जरूर होना चाहिए बिना कार्ड का गुजारा है नहीं। वाईफाई वाला कार्ड ही लैके आया ना क्योंकि काफ़ी जगह पर ना हूँ जिमें कल मैं यूरोपियन पार्लीमेंट गया ना उत्थे मैं ड्रिंक लैनी सी सॉफ्ट ड्रिंक तो मैं मतलब कि मेरे को जो कार्ड है ना वो वाईफाई वाला है नहीं तो वो बट उत्थे वाईफाई वाला ही ऑप्शन है तां करके थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही थी बट जिथों मैं सुविनर लिया ब्लू कलर का जोड़ा मैं तुम दिखाया सी वो उन्होंने कोल कार्ड वाली मशीन दूसरी हैगी सी तो वह चल पाया है ना। एक चीज़ होर भी नोटिस की मैं जरा ब्रूसल है ना काफ़ी सारी मतलब कार्ड मशीन के ना पिन मंगता है लेकिन पैरिस के अंदर ना भाई साहब मतलब कार्ड पाओ तो पिन ही कोई नहीं बस ट्रांजैक्शन होगी जे किसी का कार्ड इतने उत्थे हो गया तो वो ट्रांजैक्शन के मैसेज ही आने ने फिर वो तो इस करके जेड़े ना प्रीपेड कार्ड लैके आओ जेडे प्रीपेड कार्ड होंगे मैं मेरा भी प्रीपेड कार्ड ही है बट मेरा ना ट्रैवलर कार्ड है तो जदों उदे पैसे कटन लगते ना मैं 5000 10000 रुपया होर लोड कर दिना तो उस हिसाब न फिर ट्रांजैक्शन करदा फिर जो अपना घट हो लगता फिर लोड कर देंगे ये हिसाब किताब चल रहा है। तो बाकी अपना इधर कार्ड मशीन सारे को ही है कार्ड मशीन के कोई दिक्कत नहीं है मतलब सारे को अवेलेबल हैगी है ना। तो भावें तुम 2 यूरो की 4 यूरो की 5 यूरो की चीज़ लै रहे हो तो ट्रांजैक्शन हो जाती कोई दिक्कत वाली गल है नहीं उस। तो बाकी आ देख लो ट्रेन स्टेशन मैं पहुँच गया इतों ही मैं जरा ना पैरिस तो ब्रूसल आया सी हूँ इधरों ब्रूसल तो मैं जा रहा लग्जमबर्ग तो शामी मैं वापस आया ना मैं उत्थे नाइट से नहीं कराँगा क्योंकि मेरा नाइट से इतने एक है क्योंकि मेरा ना लग्जमबर्ग का प्लैन है नहीं सगा कल मैं ऑलमोस्ट सारी जी मेजर अट्रैक्शन है ना देख ली तो मैं गया लग्जमबर्ग एक जी सिटी है ना वह बड़ा सुनया कि रिचेस्ट कंट्री हैगी है तो ट्रांसपोर्टेशन फ्री है उत्थे तो बाकी साफ सफाई भी अपना बुरा अपना एंड गलबात है मैं एक बार चल के देखना तो बनता ही है हिसाब किताब की है उधर का तो जिमें भी अपना उत्थे पहुँचागा तो मैं इस सारे ब्लॉग के कराँगा और जी भी कोई इनफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो वह भी एड ऑन करता रहाँगा। बाकी तुसी अपना इधर का ट्रेन स्टेशन देखो किदा बनया होया है आ देखो जी है ना ट्रेन स्टेशन के अंदर ही अपना जड़िया ने शॉप्स बनिया हुई ने एक ना कर एक ये वाला ब्रांड है कैरीफोर करके तो ये जो कैरीफोर ब्रांड है ना ये तो दुबई के भी मिलेगा तो ये एक तरीके का इतने का ना ग्रोसरी स्टोर है तो बड़ा मतलब कि इतने रीजनेबल रेट पर मिल जाती है चीज़ा तो बाकी इतने की चॉकलेट्स ने तो वट कटे पे ने मैं कल थोड़ी जी चॉकलेट ली है मेरी 1100 रुपये की चॉकलेट आई आ देखो इदा की चॉकलेट्स वगैरह ना इतने पई होंगे आए ये जड़ा बेलजियम है ना बेलजियम 2-3 चीज़ों वास्ते एक तो बीयर इतने मिलती है अपना जी इतने फेमस है वो मैं ट्राई की नहीं क्योंकि मैं ड्रिंक वगैरह करता नहीं गा बाकी ये वैफल्स वगैरह है तो इतने की ये चॉकलेट है आ देखो आ बिल्कुल मार्बल स्टाइल दे बनी हुई है मतलब मार्बल लुक है ये अंदर ना मतलब कि कुछ रेजिंस के जिमें रेजिंस बनी हुई है ये एप्रीकॉट बनी हुई है ये भी किसी बनी मैं ना पढ़ना नहीं आ रहा की है तो बाकी हिसाब किताब है ले ना मिलती है जिमें 5.5 यूरो 100 ग्राम तुम अगर 2-2 पीस भी पाओगे ना तो 200 ग्राम बन जानी है तो हिसाब लगा लो कि महंगी है इतनी ना चॉकलेट तो आ हिसाब किताब है इदा के स्टोरस वगैरह बने होंगे ने ते बाकी होर जिमें चॉकलेट बाहर आदि है ना वो भी होंगे है तो वह भी अपना तुम बाय कर सकते हो भी तकरीबन मान के चलो 3 यूरो 4 यूरो 5 यूरो मिलती है ना। ते इत्थे ना इदा दे बोर्ड लगे होंगे ने हुण जिवें मेरी जिहड़ी ट्रेन है ना 9:33 की है ट्रेन ते
इस वेले टाइम हो गया 8:52 ते आ तुसी देखो 9:33 दी ट्रेन आ रही है। आ लिखा है लग्जमबर्ग नामूर लग्जमबर्ग ते ए लिखा है 10 नंबर ते मेरी जिहड़ी ट्रेन है ना वो 10 नंबर तो जाएगी ते 10 नंबर प्लेटफॉर्म ते आपां पहुंचना है ते ए हैगा 7 ते बस इस तरह लभदे लभदे पहुंचो। कोई चक्कर वाली गल नहीं गी कोई कुछ नहीं जो तो जेड़ा बंदा बाहर आंदा अपने थोड़ा जा ना एक्सप्लोर करते करते पता चल जाता। हुण मैं एंटर किया 2 मिनट पता चल गया मेरी ट्रेन कित्थे है कित्थे नहीं है ना। तो जी कित्थे दा तुसी देख लो जेड़े हॉट ड्रिंक्स है कॉफी जी है ना 2.20 यूरो दी है टी वी जी है ना 2.20 यूरो दी है तो लगभग लगभग 200 रुपए के आस पास का अपना जो जिते भी अपना ये तो अपना रेलवे स्टेशन है जो तुम बाहर भी पियोगे ना तो होर भी ज़्यादा जोड़ा ना महंगा पेगा हिसाब किताब। तो यह है जी वैफल्स जोड़े इतने रेट है ना बहुत मतलब रीजनेबल रेट है स्ट्रॉबेरी वाला 5.60 का है बट जितों मैं कल खाधा सगा ना उत्थे तकरीबन 10 यूरो 12 यूरो का रेट है तो जोड़ा अपना कल मैं ट्राई किया ना वह है 4.50 यूरो का इतने वो मिल रहा है 2.50 यूरो के आस पास का तो मतलब हाफ रेट ही है एक तरीके का। जेडे मैं अपना शॉप तो खाधी सी ना वो काफ़ी पॉपुलर हैगी एक मतलब कि ना टूरिस्ट प्लेस के बीच हैगी सी करके थोड़ा जा एक्सट्रा चार्ज कर रहे थे उस चीज़ का बट कोई चक्कर नहीं एक बार लाइफ के बंदा ट्राई करता ही है तो एक बार बंदा लाइफ के ट्राई तो जरूर करता ही है चीज़ जो भी अपना तुम खाने पीनी है कुछ भी है ना। तो हूँ चलिया जी मैं अपना प्लेटफॉर्म नंबर 10 के उत्थे जाके अपना तुम दिखाना कि भाई किस तरीके का मेट्रो स्टेशन बनया हो जोड़ा भी इतने का नैशनल ट्रेन स्टेशन है वह कि बनया हुआ जी। तो बेलजियम के भी स्टारबक्स बनया हो जी काफ़ी सारे वधिया वधिया ब्रांड जोड़े ना इतने अपना बने हुए हैं बेलजियम चॉकलेट हाउस रिले के नाते है ये ना मतलब कह लो कि भाई सुविनर शॉप भी है तो नाल थोड़ा ग्रॉसरी वगैरह का भी समान वगैरह जो मिल जाता ग्रॉसरी मतलब प्रॉपर इदा नहीं मतलब ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएँ बाकी बुक्स वगैरह इदा दिया सारिया चीज़ा है हिसाब किताब। तो आ जड़ा है ना कैरी फोर ये है प्रॉपर मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर या तो सैंडविचिज़ वगैरह इतने वधिया मिल जाएंगे तो होर तुम कोई ड्रिंक्स लगा लैनी है कुछ लैना वो सारा कुछ इधर तुम्हें मिल जाएगा। तो एक बार इधर अंदर जाके भी देखते हैं की हिसाब किताब है। ये ना सारे ठंडे सैंडविच होंगे हैं कि भाई ये सारे मतलब कोई चिकन का कोई फिश का है कोई इदा ही है कोई बीफ का भी मिलता है तो इस करके जोड़ा ना ट्रांसलेट करके अपना सारा अपना पढ़िया पढ़ के वो करा जे तो आ जोड़े फ्रूट पैक मिलते हैं तो 3 पैक लै मतलब 3 पैक जोड़े ना 5 यूरो के पेंदे ने तो आ फ्रूट होंगे ये इन्नी कु डब्बी है बस ठीक है ना जी। तो एक हिसाब किताब है इधर का कि अपना जो भी तुम स्नैक्स वगैरह लेने लैके तो ये रेट इन्हें लिखा पे तो ग्राम के हिसाब नाल तुम अपना ले सकते हो जो भी तुम मिक्स करोगे ग्राम के हिसाब नाल तुम अपना उन्होंने पे कर सकते हो ये सारा कुछ अपना लग्या होया बट जो इंडियन होणगे ना उन्होंने थोड़ा जा मतलब कि घट चीज़ा समझ आती जी सच्ची गल हैगी वो दस रहा मैं तुहानू मतलब ये कोई बुरा मनण वाली गल नहीं गी जिहड़ा भी कोई इंडियन आएगा ना वो एक बार कन्फ्यूज़ होएगा जरूर क्योंकि हुण ये जिवें है हुण ये पता नहीं इहदे की इन्होंने पाया की नहीं पाया जब तक तुसी ये ट्रांसलेट नहीं करोगे की चीज़ है की चीज़ नहीं है ना। तो ये तो ड्रिंक्स विच भी अपना पता नहीं की कुछ मिक्स कर देंगे तो इस करके अभी अपना जिहड़ा सैलड किसी ने बनाना है तो सैलड वगैरह अपने हिसाब नाल बना के पास्ता पे पास्ता मिक्स कर सकदा उहदे विच होर जिवें वैजीटेबल्स हैं वैजीटेबल्स ऐड कर सकदा ककंबर है इदा तुसी जड़ा ऐड कर सकते हो ये योगर्ट्स वगैरह पईयां इत्थे इत्थे दे ना ये चीज़ां बहुत खाते ब्रैड सेखो इत्थे किन्नियां लंबिया लंबिया डंडे जिदा पए होंदे ने बिलकुल ही
ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਿਊਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ 3 ਪੀਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਨ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਵਿਸਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 7 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ 3.35 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਚੋਕਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ 2.69 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੇਡ ਇਨ ਬੈਲਜੀਅਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਡ ਇਨ ਬੈਲਜੀਅਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇਖੋ, 4000 ਕੇਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 53% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 9:33 ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ 8:33 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਸੀ 7:33 ਦੀ। ਅਲਾਰਮ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਨਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8:33 ਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ 8:33 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ 8:33 ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 10, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹਜੇ, ਆਹ 10 ਨੰਬਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, 1st ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1st ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕੇ ਇਹ ਕੇ
कुछ ट्रेन जड़ियाँ इस तरीके की होंगे, ये थोड़ी जी पुराने टाइप की बनी हुई है ना, तो सस्ती ट्रेन कह लो या जिस तरीके की भी है, तो ये वाली ट्रेन थोड़ी जी स्टैंडर्ड वाइज वधिया बनी हुई है। तो अंदर ही किसी ने जिमें जिमें मैं दसा से ना साइकिलिंग वगैरह का, तो साइकिल वगैरह लैके जानी, तो ये वाले एक कोच में लैके जानी, इन्होंने बकायदा लगाया हुआ है कि साइकिल वास्ते ये वाला कोच है, तो इन्होंने अंदर डिजाइन ही इस तरीके का किया हुआ है, साइकिल स्टैंड वगैरह जरा अंदर ही बढ़िया होगा। एक ट्रेन ये आ गई जी, हाँ तुम देख सकते हो नीचे भी सीटिंग है, उपर भी सीटिंग है, तो तुसी अपने मर्जी के हिसाब न उपर भी बैठ सकते हो, थले भी बैठ सकते हो। पहले मैं सोचता सीगा कि उपर वाला फर्स्ट क्लास है, थले वाला सैकंड क्लास है, बट इदा नहीं है। जिहड़ा कंपार्टमेंट है ना, मतलब जिहड़ा बॉक्स है, उहदे उपर लिखा हुआ सैकेंड है या ये फर्स्ट है, बस दो ही क्लास होंगे, थर्ड क्लास कुछ नहीं है इहदे विच। ये तुसी अपने हिसाब न जिवें फर्स्ट कोच विच बैठ के तुसी हुण थले बहना उपर बहना तुहाडी मर्जी है, तो बाकी अपना टिकट के हिसाब के नाल ही तुसी अपना बैठना। जे तुहाडे कोल सैकंड क्लास की है तो सैकंड क्लास ही बैठना, फस्ट क्लास की है तो फिर भावें तुसी जिथे मर्जी बैठो, सैकंड बैठो भावें फस्ट बैठो, उन्होंने कोई लेना देना नहीं। बट जे अपना टिकट चैकर फड़ लेगा तो उहदे उपर है, मतलब कि तुहानू भेज भी सकता सैकंड कोच के विच, तो तुहानू फाइन भी कर सकता है। हाँ जी गाइज, तो मैं बैठ गया जी ट्रेन पर, तो तकरीबन एक घंटा हो गया चलते हुए, मैं अपना थोड़ा जहा काम कर रहा है आईपैड के उपर, तो मेरा ना कल अचानक प्लैन बनया कि लग्जमबर्ग जान का, मेरा इस मतलब कि रूट के मतलब है नहीं सगा कि लग्जमबर्ग जान का, जिस हिसाब न मैं प्लैन किया सगा, बट होया कि बई मैं कल ना बेलजियम जरा ब्रूसल की जड़ी मेन अट्रैक्शन वगैरह है ना, वो ऑलमोस्ट सारा कुछ देख लिया, और कल यूरोपियन पार्लीमेंट भी मैं होके आया जिहड़ा कि मैं आइटनरी दे विच ऐड नहीं किया, और मेरा बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा। मैं ब्लॉग दे विच अपना जिहड़ा ना इहदे विच ऐड जरूर किया है वो चीज़ा, तो तुसी जो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो वाले ब्लॉग ते तुसी जाके अपना चैक कर लेना, हो सकता है ये वाले ब्लॉग विच होए, हो सकता है जिहड़ा कि पिछले वाले ब्लॉग दे विच मैं ऐड करांगा ये वाली चीज़ा। तो ना अज का दिन मेरा लास्ट हैगा सीगा बेलजियम दे विच, तो मैं ऑलमोस्ट सारिया जो मेजर अट्रैक्शन सी देख लिया सी, तो मेरा मन सीगा कि बई बेलजियम दे ही पार्ट का या तो मैं कोई दूसरा एरिया कवर करा या फिर मैं नियरेस्ट जी नेबर कंट्री है ना उत्थे चला जा। तो लग्जमबर्ग का मेरा एक स्पैशल मतलब अपना एक कह लो मन सीगा शुरू तो, बट मैं प्लैन नहीं किया लग्जमबर्ग जाने का। तो इत्थे मतलब कि ना ये मतलब दुनिया की सैकेंड रिचेस्ट कंट्री हैगी है, तो यदि पॉपुलेशन सिर्फ मान के चलो 6.5 लाख लोग जड़े लग्जमबर्ग दे रहते हैं, तो सब तो मेन बड़ी गल है कि इधर ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ फ्री है, तुसी बस जाओ उत्थे, कोई ट्रैम की फीस मतलब टिकट नहीं लैनी, कोई बस की टिकट नहीं लैनी, कोई कुछ नहीं लैनी। बट हुण उत्थे जाके देखांगे कि भाई उधर दियां जिहड़ा ग्रोसरी है, खाना पीना है या होर जिहड़ियां चीज़ां ने उहदा मतलब कि दूसरी कंट्री दे नाल की कंपैरिजन हैगा है, सस्ता है महंगा है, जो भी कुछ होएगा वो सारिया चीज़ा मैं ना ये कवर करांगा। तो हुण तकरीबन टाइम देखो होया 10:30 बजे है, तो 12:30 बजे 1:15 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा उत्थे, तो 4-5 घंटे है मेरे को। मैं ना लग्जमबर्ग सिटी ही जाना है, लग्जमबर्ग सिटी अपना उत्थे एक्सप्लोर करांगा, और कोई सुविनर शॉप होणगीआं सुविनर शॉप देखांगा, कोई होर फेमस उत्थे दी चीज़ होएगी फूड वगैरह या कोई इदां दी कोई चीज़ मैनूं लगेगी जिहड़ी ट्राई करनी चाहीदी उह डेफिनेटली मैं उहदे च करांगा। तो ये वाला मतलब अज का दिन ना पूरा लग्जमबर्ग वास्ते अपना लई हो गया, क्योंकि ना मैं उत्थे नाइट स्टे नहीं करना, मैं बस हुण अपना सवेरे चलिआं 1 बजे पहुँचागा, तो शामी मैं 5:15 बजे की ट्रेन लै लाँगा या 6:15 बजे की ट्रेन मैं अपना लै लाँगा, तो वापस अपने अपना बेलजियम आ जाऊँगा ब्रूसल। तो कल मेरा जिहड़ा ना नैदरलैंड का प्लैन है, कल मेरा ऑलरेडी मतलब मेरे होटल वगैरह उत्थे बुक होए हुए हैं, इतों मैं कल जाना है नैदरलैंड, तो वह भी अपना जिहड़ियां टिकट्स वगैरह बुक हुई भी हैं, बट उहदे च एक सप्लीमेंट चार्जेस हैगा, उस सप्लीमेंट चार्ज मैंने ट्रेन च पता चलेगा की देना की नहीं, 5 या 10 यूरो आई थिंक होना चाहिए वो ना। तो कल नैदरलैंड टाइम नाल पहुँच गए, तो 2 दिन नैदरलैंड है, उदो बाद फिर दोबारा पैरिस जाना है, क्योंकि मेरी जी रिटर्न फ्लाइट टिकट है ना वो पैरिस तो ही है, क्योंकि मैनू कन्वीनियंट उतो ही मिल रही थी, मैं सारी जगह तो ट्राई कर ली सी कि भाई एमस्टरडैम तो मिल जाए या मैनू ब्रूसल तो मिल जाए, बट जी मैं फ्लाइट चाहता सगा ना वो मैं मतलब कि पैरिस तो ही मिल रही थी, तो मैं एक दिन अपना जोड़ा ना एमस्टरडैम तो मैं पैरिस जाना पेगा, उत्थे बस नाइट स्टे अपना मतलब राती पहुँचागा या फिर मैं थोड़ा जा जरा हाई स्पीड ट्रेन वगैरह होंगी है ना वो भी लै सकता, लेकिन उद्दे ना 34 यूरो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो
ਜੇ ਮੈਂ 34 ਯੂਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਪੈਰਿਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਧਰੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੇਓਵਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 19 ਆਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਓਵਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਰਿਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉੱਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੂਸ਼ੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਫੂਡ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਨੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੇਸਟਰੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੈਂਡਵਿਚਿਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਵੈਫਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚੋਕਲੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚੋਕਲੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਆਲਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਚੋਕਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਚੋਕਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਚੋਕਲੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਬੂਧਾਬੀ ਜਾਣਾ ਆਬੂਧਾਬੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਚੋਕਲੇਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ 2-3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਯੂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਯੂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਸਵਿਸ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਈਯੂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਪੇਨ ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ 4-5-6 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ 2-3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਐਂਡ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 48,000 ਦਾ ਪਾਸ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 48,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 48,000 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਚੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 60,000-70,000 ਖਰਚ ਦੋਗੇ ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 48,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਓ
दिल वड्डे रखो, थोड़ा जिहा घूमण फिरन बंदा आंदा ते अपना दिल वड्डे रखने बंदे ने। जिथे तुसी अपना तुहानू पैसे सेव करने हो ते पैसे सेव करो, बट जो चीज़ नैसेसरी है बई तुसी हुण रेलवे स्टेशन ते अपना तुसी पैरिस तो सपोज करो एम्सटरडैम जाना है, हुण तुसी इहनां तों डिस्काउंट थोड़ा ना मंगदे रहोगे कि अपना डिस्काउंट दे दो या कुछ कर दो इदां करके, है ना। ते जो चीज़ नैसेसरी है वह तो तुहानू खर्चनी पएगी पएगी। बाकी अपना जिहड़े वी कोई फ्रेंच दे विच हुंदी अनाउंसमेंट ते ते ना बाकी होर वी जे भाई किसी नूं समझ आ रही होगी दस मैं तो फ्रेंच आती नहीं हले, मैं सीख रहा बोनजोर मोता लीजू इदा करके ना इंट्रोड्यूस कर मतलब वेट करते हैं एक दूजे ना। बाकी अपना थोड़ी बहुत आती रहेगी तो सीखते रहेंगे, लोगों को जिमें जिम्मे सुनते पे उदा उदा अपना न्यू लैंगुएजिज वगैरह भी सीख लाँगे, कोई चक्कर नहीं गा। तो बाकी कोई होर वीर भरा अपना कोई भाई इनफॉर्मेशन चाहिए होएगी घूमण फिरन की तो वो अपना गल कर सकते हैं। बाकी मैं ना दुबई का ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई किया होया इतिहाद दी जिहड़ी मेरी एयरलाइनस है ना उधरों। वैसे मैं ना किसी होर एजेंट नाल गल की सी इंडिया के, वह कहिंदे जी 2500 कोई कहिंदा 2800 कोई 3000 रुपये मंगता पिया सी। तो मैं ना एयरलाइनस की वैबसाइट पर जाके अप्लाई करता ट्रांजिट वीज़ा, उत्थे 48 आवर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सीगा। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठे किए, जो भी अपना उन्होंने रिक्वायरमेंट हैगे सीगे वो सारे अपलोड करते। तो हुण बस मैं वेट कर रहा अपने ट्रांजिट वीज़ा की, उधरों आ जाएगा तो मेरे वो 2500-3000 रुपये भी बच जाएगा, वो किधरे होर इनवैसट करांगे होर किधरे खर्चा पाने लग जूगा, है ना। तो बस इस तरह ही थोड़ा जिहा मैनेज करके चलना पैंदा अपनी सारिया चीज़ों। तो जिथे पैसे बचते हैं उत्थे पैसे बचाओ, तो जिथे नैसेसरी पैसे तुहानू लगता है कि हाँ जी इत्थे तां खर्चना ही है इत्थे अपना देने देने है, तो वह तुसी पैसे जिहड़े ना अपना नहीं अपना उन्हूं बचा सकते। तो बाकी गाइज अपना होर भी जिहड़ा ब्लॉग दे विच इनफॉर्मेशन होएगी ऐड करते रहेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना, ब्लॉग एंड तक जरूर देखना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इनफॉर्मेटिव वीडियो थोड़े तक पहुँचती रहे। थैंक यू जी। हाँ जी गाइस, तो मैं पहुँच गया जी लग्जमबर्ग, तो 3-3.5 घंटे का सफ़र सीगा, तो हुण ना टाइम होया 1:45 का। तो तुसी आ देख रहे हो पिछे किन्नियां लाजवाब जिहड़ियां ने इत्थे ट्रैम्स खड़ियां होईयां ने। तो मजे की गल यह है कि सारिया ट्रैम्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तुसी जिथे मर्जी आके इत्थे ट्रैवल कर सकते हो। तो ना रास्ते दे विच जदों मैं मतलब कि ट्रेन ते आ रहा सीगा ना, तो मेरी मतलब टिकट तो वैसे मतलब ऑलमोस्ट सारी जगह पर चैक हुई है, एक अद्धी ट्रेन है जिथे ना मेरी टिकट ही चैक नहीं हुई। तो दूसरा अपना काफ़ी सारी जगह पर मतलब ट्रेन से ना अपना पासपोर्ट चैक करते हैं, लेकिन हूँ जो मैं बेलजियम तो लग्जमबर्ग आ रहा सीगा ना, तो इतने मेरा पासपोर्ट भी चैक नहीं होया। बस उन्होंने टिकट चैक की है, फर्स्ट क्लास है सैकेंड क्लास की है, तो सही कोच चीज़ बैठी कि नहीं वह वो चीज़ चेक की है, बाकी पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा। तो मैं बेलजियम तो दूसरी कंट्री एंटर कर गया लग्जमबर्ग के, जिहड़ी कि दुनिया की सब तो अपना जिहड़ी है ना सैकेंड रिचेस्ट कंट्री हैगी है, तो इन्हां दी इकोनमी भी जिहड़ी है ना बड़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। और इत्थे जिहड़ा करंसी चलती है ना वो यूरो ही चलती है, सारे पासे यूरोज अपने चल रहे, सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर फ्रेंक चलते हैं, बाकी जिन्हें भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैगियां ने ना उहदे च यूरो ही चलता है ज़्यादातर, है ना। तो आ तुसीं देख सकते हो आ जिहड़ा ना मैं स्टेशन ते हैगा इस वेले, तो इधरों मैं हुण रूट वगैरह देखदा कि भाई जिहड़ा भी लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग जिहड़ी सिटी है उत्थे जाना है, कोई म्यूजियम है या कोई चर्च है, तो वह सारा मैं एक्सप्लोर करांगा। तो बाकी जिहड़ी है ना इत्थों दी रिटर्न दी मैं ट्रेन लवांगा तकरीबन 5:30 बजे दी या 6:30 बजे दे आसपास दी कोई भी लै लांगा अपने मतलब टाइम दे हिसाब नाल, ते सारियां चीज़ां एक्सप्लोर करके ते अज अपना वापस चले जाना मैं बेलजियम, ते बेलजियम तो फिर मैं कल जावांगा नैदरलैंड वास्ते। तो तुसी भी मेरे नाल इस ब्लॉग दे विच सारा एक्सप्लोर करो केड़ियां-केड़ियां चीज़ां अपना इत्थे मैं एक्सप्लोर कर रहे हां, ते जिद्दां जे वधिया ब्लॉग लगदा है ते ब्लॉग जरूर लाइक कर देना, चैनल जरूर सबसक्राइब कर देना,
ਤੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਲਬਮ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਐਲਬਮ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਮੈਂ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੀ ਤਾਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਈਏ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਟ੍ਰੈਮਸ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲੀ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਹ ਲੁੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆ T1 ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ T1 ਹੈ ਇਹ ਵੀ T1 ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਏ ਔਰ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੋਤਰੇ ਡਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚਰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 7 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੈਮਿਲੀਅਸ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਇਹ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਨੋਤਰੇ ਦਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਿਸਟਮਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੋਤਰੇ ਦੋਮ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਕਰੀ ਸ਼ੋਪ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 6.5 ਯੂਰੋ 7 ਯੂਰੋ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਰੂਟਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਫ ਚਿਕਨ
तो वैजीटेबल्स सारा कुछ अपना जड़े चीज़ा अवे अवेलेबल है उसे कुकीज वगैरह पई ने या तो ये स्वीट्स वगैरह जड़िया ने इधर मिल रही ने और बाकी इतने ड्रिंक्स वगैरह भी पई ने 4 यूरो 4.85 ये मेरे ख्याल अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गया बीयर वगैरह तो ये नीचे जड़ा लग्या ये बैवरेजिज वगैरह लगिया हुई ने तो उपर का जोड़ा सिटिंग का हिसाब किताब होएगा तो बाकी तुसी कैश या कार्ड पेमेंट वगैरह दे के अपना लै सकते हो। ये ब्रैड वगैरह इतने ना लोग ब्रैड इन्नी खाते इन्ना ब्रैड चलती है पता नहीं इतने अपना रोटी बन बनती नहीं फिर इन्होंने ना ब्रैडा ही खाते रहते हैं तो आया जी अपना मेरे ख्याल कोई चर्च बनी हुई है की चीज़ है पता नहीं तो बाकी मेरा रूट जरा इतों ही आ रहा है तो इधरों लंघ लिया तो ना की कहते हैं जड़ा जड़ा चीज़ा ब्लॉग के ना आनगिया मैं तो ये पाँदा रहा लग्जमबर्ग दियाँ क्योंकि जड़ा भी बंदा घूमन फिरन के हिसाब न आ रहा ना उन्होंने एक रेट का आइडिया हो जाएगा कि उत्थे जे जा रहे तो अपना थोड़ा जा के बी ड्रिंक्स वगैरह किन्ने दियाँ या उत्थे दे लोग मतलब ट्रैडिशनली की चीज़ा खाते हैं ये वाली चीज़ा जड़िया हमने मैं दिखाई ना मोस्टली यही चीज़ा खाते हैं तो ये ही आ देखो एक होर शॉप आई है भी दिखाना ये भी अपना ये चीज़ की हैगी है आ देखो मल्टीग्रेन ब्रैड है तो नाल अपना चीज़ तो वैजीटेबल्स वगैरह पा के तो यही मैं स्विट्जरलैंड वगैरह यही खादा सगा इतने आ के मैं फिर चिकन शॉर्मा वगैरह या होर चीज़ा मैंने मिल गई सगिया तो वो मैं अपना ट्राई कीतियाँ सगिया बनया बनाया पास्ता है वैजीटेबल्स वगैरह है तो इस टाइप का सिस्टम जड़ा ना बनया पेगा तो पेस्ट्रीज वगैरह सारा कुछ अपना जरा ना बनया हुआ लेकिन ना इन्हों रेट तुम देखो एक एक पेस्ट्री दे तकरीबन 450-500 रुपये का पेस्ट्री का वो पैंता है तो आ जड़ा है ये मेरे ख्याल 1.65 यूरो का है तो बाकी सिटिंग भी है तो इतने आ चीज़ा बहुत चलदियाँ भी मैं ट्राई किया वैसे मैं सारा ट्राई किया अच मैं ट्रेन पर आ रहा है ना तो एक एक पीस मैं सारे का लै लिया तो सारा मैं जड़ा ना ट्राई किए ने है सारा स्वीट ही मतलब ये ना कोई वो नहीं है कि भाई जिदा कह लो पैटी टाइप जी तो वो चीज़ा बनिया पे ने भी ब्रैड्स वगैरह है आ सारी शॉप बनी हुई है ना तो हूँ चलते हैं जी अगे दो शॉप्स अपना दिखाती ने की हिसाब किताब है तो ज़्यादातर लोग इतने दे ना की खाते ने तो हूँ इन्हों का अपना जो भी कुछ दिखेगा तो वह देखा पिछे देखो होमलैस अपना लेडी बैठी हुई है इधर मतलब इधर भी होमलैस लोग हगे ने हालांकि दुनिया की सैकेंड रिचेस्ट कंट्री दे कंट्री जी आती है लग्जमबर्ग तो बाकी होर अपना देखते हैं किड़े किड़े रेस्टोरेंट टाइप हगे ने की हिसाब किताब है बट जड़िया मैं तुम दो शॉप सिखाई ना मोस्टली यही है ज़्यादातर ना होर भी अपना रेस्टोरेंट टाइप बने हुए ने जिथे सुशी फूड मिलता है मेरे कोई मतलब का है नहीं जोड़ा खाँदा होगा खा ले मैं तो पसंद नहीं सुशी फूड तो बाकी हूँ चर्च आ गई सामने तो वो देखते हैं उस तो बाद फिर एक होर जगह हैगी है क्योंकि ना टाइम है बड़ा घट 1:30 बज गया तो तकरीबन या तो मैं 5:30 बजे की ट्रेन लाँगा या 6:30 बजे की ट्रेन लाँगा एक्सप्लोर करने वास्ते 2-3 घंटे है वधिया अपना कर लें एक नवी कंट्री वो पिछे फ्लैग लगा हुआ लग्जमबर्ग का पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा मेरा फोन हो बड़ा बुढ़ा तो इनू जे मैं 80% 90% चार्ज करदा तो बड़ी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही पता नहीं की हो गया इसको बेचारे तो कोई नहीं इदा भी इंतजाम करांगे छेती तो बाकी ये ना स्नैक्स दे भी अपना इदा बनी है मेरे ख्याल इतने चिकन शॉर्मा होएगा तो मैं वो ट्राई करांगा जरूर क्योंकि वो ही मेरा फेवरेट है इतने जड़िया चीज़ा मिल रही वो तो इतने चिकन शॉर्मा तो नहीं है ये ना सारा ट्रांसलेट करना पेगा तो ये ना काफ़ी सारी चीज़ा ना बीच बीफ भी पा देंगे ने ते एक ना ये रोड पर यह चीज़ मैं बड़ी वधिया लगती है जरा कि ना जिम्मे म्यूजिक वगैरह लाइव म्यूजिक कर रहे होंगे ने हैलो या पैसे मंगते पे हले मेरे को चेंज है नहीं गा ब्लॉग बना रहे उन्होंने लग रहा पता नहीं किनिया कमाइया हो रही ने तो ना बस यही है काफ़ी इंडियन ना इंडियन मिल जाते हैं तो वह समाइल कर देंगे है ना तो बाकी अपना जेडे इतने के लोकल अपना बंदे है ना वो बड़े अजीब
तरीके नाल कई बार देखते हैं, मतलब कि ना जिदा मैं पग पाई हुई है या अपना मैं हाथ में मोटा कड़ा पाया होया ना, तो वह चीज़ वेख के थोड़ा जा मतलब वो ना देखते रहेंगे मतलब कि भाई ये चीज़ की पाई है ना या पग पाई है या ज़्यादातर इतने लोग ज़्यादा मतलब सिख लोग नहीं आते होने या जिदा भी है, बट इतने के लोग जोड़े चीज़ नोटिस करते जरूर है। तो बाकी आप टोर नाल फिरते पे हाँ, कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं गा, तो आप जोड़े भी अपना इंडियन मिल जाते हैं उन्होंने भी दूरों पछाण जाते हैं भाई सरदार भरा चलता फिरता पे, तो वह मिल लेंगे ने गलबात कर लेंगे ने पूछ लेंगे कितों आए भीर की हिसाब किताब है कि नहीं ना। तो आया जी मेन मार्केट मेरे ख्याल इधर दी जिते सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जोड़े ना बने हुए हैं, तो बाकी होर अगे का देखते हैं कि हिसाब किताब है। एक ना इतने आइसक्रीम पार्लर है तो इन्हों का रेट देखो पर स्कूप के हिसाब न 2.50 यूरो है, तो तुम अपने हिसाब की अपना जी कोन दे विच या कप दे विच जी है ना आइसक्रीम लै सकते हो, तो 2.20 का भी है मतलब इस तो थले नहीं है जड़ा लोएसट है ना मतलब 2.20 वन स्कूप का है, तो बाकी जड़े आइसक्रीम लवर अगे ने आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल पिछे मेरे एक ना परफ्यूम की शॉप हैगी है, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे परफ्यूम दूरों ही देख के, तो पैकिंग शैकिंग बड़ी वधिया कीती हुई सी। तो ये है कि भाई कंट्री मतलब साफ सुथरी है, मतलब कोई इदा गंद गुंद किधरे मैं देख नहीं रहा मतलब जदों का मैं आया ना, मतलब इन्हों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खाण पीन का देखो डे टाइम के भी अज वीकडे है अज है थर्सडे है थर्सडे वीकडेज आराम नाल मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपना खाना पीना, मतलब इतने की लाइफ जी है ना मतलब मैं ये चीज़ देखी है चाहे वीकेंड हो वीकडेज हो इन्होंने अपना इंजॉय करना वाइन पीते हैं अपना बीयर शीयर पीते हैं जोड़े भी है ना, कोई अपना इटैलियन फूड कर रहा है कोई सुशी फूड अपना जोड़ा कर रहा है, तो इंजॉय अलग अलग सारे का तरीका है इंजॉय कर, बट ये है कि बाहर आके अपना थोड़ा जा ना दूसरे का कल्चर देख के तो बड़ा चीज़ा सीखन मिलदिया भी ने और काफ़ी चीज़ा अपने अंदर बंदा चेंज भी लैके आता है जे लैके आना चाहे तो सारिया चीज़ा देखो अच्छिया भी होंगे बुरी भी होंगे, हूँ तुम की चीज़ अपना बाहर की कंट्री तो अपना ग्रैप्स करते हो कि तुम चंगी चीज़ा अपने अंदर अपना चेंज लैके आ रहे हो या नैगेटिव चीज़ा जड़िया ने कर रहे हो है ना। इतने के लोग ड्रग्स भी लेंदे होने, तो हूँ यह नहीं कि भाई बाहर आए तो ड्रग्स शुरू कर दो, ये काम नहीं है, जड़िया चंगी चीज़ा ना वो चीज़ अडोप्ट करो तुम है ना, तो जड़िया माड़ियाँ वो फिर बंदे की मैंटैलिटी के उपर मैटर करता है कि भाई किदा करना है किदा नहीं हिसाब किताब है ना। तो बाकी हूँ मैं चर्च पहुँच जावा, तो बाकी जे रास्ते कोई होर वधिया चीज़ दिखेगी तो वो जरूर कवर करांगा ब्लॉग दे विच। एक ना ये शॉप मिली है तो इतने ना चिकन शवरमा मिलता वै, लेकिन ये ना चिकन है बीफ है कुछ नहीं पता, क्योंकि मोस्टली इन्हों का ना वक्रा वक्रा हिसाब होंगे अलग अलग वैसे लगा है, कोई चिकन भी लगा कोई शवरमा भी लगा, एक बार पूछ लें रेट तुम देख लो इतने 12.5 यूरो, तो ये मैं जोड़ा ना एक बार वो करना पेगा ट्रांसलेट की हिसाब किताब है, कोई गलत मलत चीज़ ना खवा देना चिकन कह के। तो जी इतों लिया मैं चिकन शौरमा जोड़ा कि मैंने पै 6.5 यूरो, तो हूँ जो आएगा तो देखते हैं कि वह साइज़ पोर्शन वगैरह हैगा, तो बाकी अपना बैठे तो काफ़ी लोग पे ने इतने अपना जोड़ा ना आ गया, थैंक यू। ये आया जी बड़ा वधिया लग रहा है ह्यूज है ना, चलो जी। तो जी मैं करदा इंजॉय, तो बाकी अगे दी वीडियो अगे बनेगी, तो जिते मैं चर्च जाना पहले अपना थोड़ा बहुत खा ला क्योंकि मैं सवेरे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, तो ये इंजॉय करके तो उदो बाद फिर मैं जरा चर्च जाना उधर जावगा, तो उस तो बाद जी एक दो होर थावान ने उत्थे घूमेंगे फिरेंगे, ये ब्लॉग दे सारी चीज़ें ऐड ऑन करा, तो तुम भी इंजॉय करो ये ब्लॉग देख के, लाइक जरूर कर देना तो सबसक्राइब जरूर कर देना जी। हाँ जी, तो गाइज मैं ना इधर घूमते घूमते ये ओल्ड सिटी कह लो ओल्ड सिटी का एरिया, तो ये ना ग्रांट पैलेस करके कुछ हैगा है, तो इतने ना इन्हों की आर्मी का है कुछ जिदा कह लो मार्च पास्ट या कोई नैशनल एंथम इन्हों का होंगे वो हो रहा है, तो आ देखो
इन्हें ड्यूटी चेंज हो रही होनी करके मेरे ख्याल कर रहे ने। देखो कितना टूरिस्ट इधर खड़े है, अपना सारा वीडियो बना रहे ने। ये वाला तो नाल ही चला गया। अच्छा देख लो इन्ने लोग इन्हें देख रहे, कोई तो मूँह तो हासा नहीं है, कोई कुछ नहीं, कितना सीरियस बंदा है। देख लो देख लो, हालांकि सारे इतने अपना कितनी पब्लिक खड़ी है, बंदे का हासा ही निकल जाता लेकिन मेरा हासा निकल रहा है। तो बेचारा कितना मतलब इन्हों की जॉब जी टफ है ना। तो एक इतने गाइस आई है सुविनर शॉप, ये देख लें जे वीडियो बना देंगे कि नहीं। तो वैसे इतने तो सारे ना पोस्ट कार्ड वगैरह लगे हुए हैं लग्जमबर्ग के। जिथे मर्जी नो इशूज, तो जिथे मर्जी चले जाओ। इन्होंने जड़ा इन्हों का वो है ना फ्रिज मैगनेट वगैरह, वो 3 यूरो 4 यूरो मिनिमम मिलता ही है। तो जिथे अपना तुम्हें पसंद आए लै लो, कोई ज़्यादा खज्जल खुआर होने की लड़ कोई नहीं कि बई थानू अगे जा के कोई 1 यूरो 2 यूरो का मिल जाएगा। सारे भैन भरा ही ने एक उदे ना, तो सारे पास अपना एको रेट चलता इन्हों का। अभी देखो पता नहीं इधर खुलिया कि नहीं खुलिया, खुलिया है। ये तो बड़ा वधिया यार, ये वधिया यार लक्समबर्ग, ये ला लेंदे यार। आंटी नू कह के आवां चेंज कर ले तां। अभी देखो सारे ना 3.95 दें, तो मैं 4 यूरो का लिया। इट्स ओके, ये की चीज़ है। और डब्बी देख लो, कोई अपना कुड़ियों के पान दे कोई छड़ी चीज़ आती है ना 5 यूरो का है, कोई 5 यूरो की ये चीज़। तो भाई जी आ वाली जगह तुसी नोट कर लो, तो आ एक मैडम की शॉप है इत्थे। इधरों कदे ना तुसी कोई चीज़ लेना, हुणे मैं आया इत्थे एक ना 4 यूरो का मैं लैके गया सीगा फ्रिज मैगनेट। तो इत्थे ना मैं आके इन्हां नूं कहा, मैं कहा मैनूं दूजा चेंज करके दे दो। तो मैं बेशक है उही मतलब सेम प्राइस का सी, मैं कहा मैं 1 यूरो तुहानूं एक्सट्रा दे देना। कहिंदी बिल्कुल अपना कहिंदी है ही नहीं एक्सचेंज ही कोई नहीं का, तो ना अंदर कोई इन्हें अपना फोटोग्राफी करन मतलब ना वीडियो बनाने दिती ना कोई चज नाल गल करदी, इन्ना रूड बिहेवियर सीगा ना इहदा। इत्थों कदे ना लैणा कोई चीज़। वैसे मैं पाँदा नहीं गा इदा रिव्यू अपने ब्लॉग च, लेकिन इदा बड़ा मतलब कि हिसाब किताब गलत सीगा यार, है ना। चलो कोई चक्कर नहीं गा, तो हुण देखदे आ कोई होर वधिया लग जाएगा तो लै लांगे यार, कोई चक्कर नहीं। इन्नी दूर आए हाँ तो जिहड़ी चीज़ वधिया लग रही है लो। तो हुण मैं चलिया जी उसी शॉप ते जिथे फ्रिज मैगनेट लिया सीगा लग्जमबर्ग दा, तो उन्हूं जाके पुछ के आने वो चेंज कर देती है। तो ठीक है नहीं जी। तुसी बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये ग्रैंड ड्यूकल प्लेस है, तो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस हैगी और साउदर्न लग्जमबर्ग दे विच पैंदी है। इसकी ना जी एंट्री टिकट है तो वह 15 यूरो हैगी है, बट तुसी जुलाई तो लैके अगस्त एंड तक इतने जरा विजिट कर सकते हो। तो इतने जी अपना इधर की लोकल अपना जिमें कह लो ऑफिशियल जड़े मिनिस्टर्स वगैरह या कुछ होर अपना इधर दे मतलब ने वो रेंदे ने, है ना। तो हुणे मैं जो जा रहा सीगा ना, तो पूरा पिछे पुलिस दे नाल अपना काफ़ी सारे बंदे हगे से, तो वो इसी बिल्डिंग के अंदर गए थे। तो आ तुसी उपर देख लो लग्जमबर्ग का फ्लैग लगा हुआ है, बट इस वेले चीज़ा ना मतलब अंदर जाना रेजिडेंशियल एरिए दे विच जाना हले मना है, क्योंकि अगस्त एंड तक ही खुलिया रहिंदा है। बाकी तुसी जे फोटोग्राफ वगैरह कराना चाहो तो बाहर खड़े होकर तुसी फोटोग्राफ करा सकते हो, कोई पैसे नहीं है। तो बाकी अपना बाहरों आओ तो इंजॉय करके अपना इधर का विजिट करके जाओ जरूर। तो जे तुसी जुलाई अगस्त में आ रहे हो तो अपना टाइम कढ़ के आओ, तो ताकि जरा अंदर का जरा इन्हों का रॉयल पैलेस है ना वो चीज़ सारिया देख सको कि कितना इन्हों का मतलब जरा लाइफ स्टाइल हैगा।
अपना होर भी काफ़ी सारी चीज़ा जी। हाँ जी गाइस, तो मैं अपना टाइम से निकल गया सीगा, तो मेरी जी ट्रेन सी ना वो हैगी सी 5:11 से, और इतने ना बिल्कुल एग्जैक्टली उही टाइम पर जी ना ट्रेन वगैरह निकल जाती हैं, तो मैं बेलजियम पहुँच जाऊँगा जी अराउंड 8:30 बजे। और मैं सोचा कि अपना बैग वगैरह रख के थोड़ा जहा फ्रेश होकर ना तो मैं अपना लोकल मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर चला जाऊँगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन का ही अपना उ मेरे को अज का दिन रह गया, कल मैं जाना नीदरलैंड। तो एक होर भी अज चीज़ मैं नोटिस की है, मेरा ना नीदरलैंड तो चैकआउट सेगा 1 तरीक का, और मेरा जरा पैरिस तो फ्लाइट हैगी 3 तरीक की है, तो 2 तो 3 दी जी मैं ना अपना होटल बुक कराया सेगा पैरिस। हूँ मैं ये देखा कि मेरा एक दिन का ना शॉर्टेज पै रहा, मतलब 1 तो 2 तरीक तक मैं कितने रहाँगा वो नहीं समझ आ रही। हूँ मैं सोच रहा 1 या 2 तरीक या तो मतलब 1 अक्टूबर तो 2 अक्टूबर तक मैं नीदरलैंड का एक अपना स्टे एक होर कर लाँगा, मतलब हाले 2 नाइट्स है तो 3 नाइट्स हो जाएगा, या 1 नाइट मैं जरा जर्मनी कर लाँ। लेकिन हूँ मैं थोड़ा जहा प्लैन कराँगा कि बई जे जर्मनी जाना बई उत्थे जाने ते कितना टाइम लगेगा, उधरों अपना फिर जे पैरिस जाना है तो उधर कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ी जी कैलकुलेशन करनी पेगी, किधर ये ना हो कि ज़्यादा अपना मतलब करन दे चक्कर च ना अपना थोड़ा जहा ट्रैवल प्लैन खराब हो जाए या जड़ा थकावट ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ नहीं मैं चाहता। जे जर्मनी का अपना थोड़ा जहा मतलब ट्रैवल प्लान मतलब ट्रैवल टाइम ज़्यादा होएगा तो फिर मैं ना नीदरलैंड के ही अपना एक दिन ज़्यादा स्टे कर लाँगा, नियर बाय कोई बीच वगैरह होएगा तो होर अपना बीच वगैरह तो अपना वो चीज़ एक्सप्लोर कर लाँगे। ये चीज़ है तो मैं जरिया तो दसनिया सी ना लग्जमबर्ग तो मैं की चीज़ा लिया, एक तो लिया मैं एक ए वाला मैगनेट, देखो ये मैगनेट है कितना वधिया, तो इदा करके ना ये वाला ना पे मैं मेरे ख्याल 6 यूरो के आस पास का है सीगा ये, तो इस तरह मूव होता है। मेरे को ना सारे मतलब जो फ्रिज मैगनेट्स मैं ले ना स्टिल स्टेबल है, तो एक मैं जो स्विट्जरलैंड तो लिया ना वो स्लाइडिंग वाला है, मतलब कि ना काओ बनी हुई है तो स्लाइड करती है, तो वह भी बहुत मतलब कि अट्रैक्टिव है, तो ये स्लाइड वाला लिया, ये उत्ते लग्जमबर्ग जरा ना ये लिखा पै ठीक है। तो एक चीज़ ली है मैं ए वाली, ये ना मैं मतलब इतने देखी ये ना छोटा जि हैंडल लगा हुआ है, तो जो आप अपना करते हैं ना तो ये चो साउंड आते, देखो ये मैं माइक के कोल लैके जाता आ रही है ना आवाज, तो ये ना पे मैं 10 यूरो का पे, तो मतलब कि मेरा मतलब पहली बार देखने ना मतलब लग्या कोई नवी चीज़ है ना, या फिर मैं लैनी चाहिए है, ये होर भी काफ़ी सारे अगे से प्रिंट वगैरह, बट वो मैं मतलब पसंद नहीं आ रहे थे, एक पता नहीं अलग अलग जो इतने के आर्टिस्ट वगैरह के हैगे से, एक मैं बस यही डिसेंट लग्या फॉर यू दिल विल बने हुए ने, मैं क्या ही लै लेंगे तो यादगिर वास्ते, तो है तो अपना चलाना की है अपना, लेकिन यह कि कभी अपना ये चीज़ा मतलब यू मतलब देखागा ना तो याद आएगा कि मैं लग्जमबर्ग तो ली सी चीज़, तो यह वीडियो भी हैगी है मेरे को जी मैं हूँ बना रहा ठीक है ना, देखो तो ना छोटा जहा मकैनिज़म लग्या हुआ है, तो वो जो पियानो टाइप जहाँ ना मकैनिज़म है ये, तो वो अपना पूरा फिट होया वे थ्रू अपना साउंड ये आती है, तो तुम भी दसना कि ये चीज़ थानू मतलब वर्थ लग रही है 10 यूरो की कि नहीं, जिन्हें देखो अपना खर्चने होंगे पैसे वो खर्च देता, जिन्हें नहीं खर्चने होंगे 1 यूरो 2 यूरो भी अपना सोच के समझ खर्चने ने, तो जिथे सोच के अपना खर्ची दा उधर अपना इदा ही है हिसाब किताब। हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स रखे हुए ने कोल, इदा नहीं है कि भाई फालतू के अपना गए तो 5-5, 10-10 यूरो ड्रिंक्स लै रहे हैं, खाण पीन का समान लै रहे हैं, तो जिते जो चीज़ अपना अपना हैगी है ना पैसे बचाने उत्थे बचा लेंदा है, जिते पैसे लगाने हैं एक यादगिर वास्ते उधर पैसे लगा के, तो अपना एक थोड़ा जहा मैमरी भी हो जाती है, तो नाले एक निशानी भी हो जाती कि निशानी अपना एक उदी लई है ना। एवें ही मैं जरा ना हूँ बेलजियम तो भी फ्रिज मैगनेट्स अपना ले ने, वो वैसे स्टेबल है, हूँ नीदरलैंड जावगा तो नीदरलैंड तो लवागा वापसी, तो जी मेरी फ्लाइट है ना आबूधाबी तो है, तो वो जी दुबई के मेरी फ्लाइट स्टे होएगी ना, तो दुबई तो भी अपना परचेज करनी है चॉकलेट्स फ्रिज मैगनेट वगैरह, जो मैं दुबई गया से मैं लैके नहीं आया सीगा उस टाइम पर, तो फ्रिज मैगनेट उधरों भी लाँगा, तो फिर होर 1-2 चीज़ा होर लैनी है, वो फिर जरा ना मैं वैसे सोचा फोन है कि मैं फोन लैके आवाँगा iPhone 15 Pro, बट हूँ देखो उ मैं US वेरियंट मिलता नहीं मिलता, तो रेट्स वगैरह मिलते नहीं मिलते, क्योंकि ना हाले मैं देख रहा तो उत्थे ना बड़ा मतलब कि रेट अप है, मतलब कि जो वैबसाइट पर एप्पल की वैबसाइट पर हैगा ना रेट उस तो भी अप मिल रहा है, मतलब 4200 दिरम का हैगा इसका,
4300 दिरम का, तो उत्थे मिल रहा 5000 दिरम, 6000 दिरम, इदा करके कुछ रेट मिल रहे हैं। तो मैं जाना 3 तरीक न, तो जे उस टाइम तक रेट डाउन हो गया जो मैं मतलब मैं अफोर्ड कर सकता या जो एक्चुअल रेट है वो मतलब जो वैबसाइट पर उन्ना भी मिल जाएगा तो भी मैं ले लाँगा, कोई चक्कर नहीं गा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम रेट अपना मिलेगा तो मैं वो अपना नहीं कराँगा फिर, तो जो मैं इंडिया तो अपना होएगा तो फिर इंडियन ब्रांड मैं ला प्रैफर कराँगा, क्योंकि इधरों फिर अपना सारा जरा ना बिल वगैरह के हिसाब न अपना पै जूगा मैं सस्ता। तो ये चीज़ मैं प्लैन की है। बाकी हूँ देखो वाहगुरु जी अपना जिमें कराएंगे उमें ठीक है। तो बाकी एक आईफोन की इस बार सोचे वॉच लै लिए, वॉच 9 तो 15 प्रो, तो दो चीज़ा लैनिया। ये वाले फोन तो ना मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं ये देखो पावर बैंक ना नाल रखदा, तो ये 20,000 mAh का पावर बैंक है। तो किन्नी बार इस तरह होंदा है कि मैं ये लगा के वीडियो रिकॉर्ड करदा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाती मेरे वास्ते कि हमेशा इसनों लगा के, क्योंकि ये 100% तो कदों मतलब 50 पहुँच जाए 20 पहुँच कुछ नहीं पता चलता, मतलब ड्रेन यदि ना बैटरी बहुत ज़्यादा हो रही है, ता करके मैं एक मतलब फोन तो लैना ही है दूजा। तो बाकी अपना उदो जो नवा फोन आ जाएगा तो फिर अपना वधिया बैकअप होएगा, सारिया चीज़ा हो गया। तो स्टोरेज भी जी ना हूँ ज़्यादा वाली लाँगा, ये 128 GB वाला है, तो 256 या 512 GB वाला लाँगा। तो वेद वैसे हूँ तो टाइप सी आ गया, तो टाइप सी मेरे को एसएसडीज वगैरह पे 1 TB दी, वो भी जो सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा वधिया ऑप्शन हो जाएगा मेरे वास्ते। तो बाकी मैं सोचा इस तो थोड़ी जी स्टोरेज ज़्यादा अपना जी ना लवागा। तो गाइज हूँ जरा ना मैं भी देखना अपना राती जाके वीडियो वगैरह जो मतलब मेरा उत्थे कैमरा वगैरह मतलब ट्राईपॉड्स वगैरह मैं लिजा सकिया, तो सारी लोकल मार्केट का मैं नाइट का अपना वो कराँगा एक्सप्लोर, तो वह भी इस ब्लॉग के पा दाँगा। तो बाकी जो तुम लग्जमबर्ग आना चाहो घूमना चाहो बड़ी वधिया सिटी हैगी है, इन्ना ज़्यादा महंगा नहीं है, रेट वगैरह सारा कुछ बेलजियम टाइप का ही है। बाकी अपना गल ये है कि इतने ना ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, तो मैं जरा इतने आया तो मतलब इधरों जो जा रहा यह मैं ग्लोबल पास यूज़ किया, यदि मैं कोई टिकट नहीं ली ना, मैं उत्थे टिकट ली है ट्रांसपोर्ट की ना मैं अगली ट्रेन से टिकट ली है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडिया तो पैसा खर्च के आया सारा कुछ है ना। तो इस करके जे तुसी भी यूरोप आ रहे हो ग्लोबल पास जरूर लैके आना। मेरे ना हूँ मैं काउंट किया मैं नैदरलैंड तो नैदरलैंड भी जाना तभी कोई पैसे नहीं, नैदरलैंड तो जे मैं पैरिस जावगा ना तभी कोई पैसे नहीं, लेकिन ना मेरे तभी 3 दिन बच जाएंगे। तो मैं सोच रहा है जे मेरे को टाइम होता ना तो मैं जर्मनी इटली ये दो कंट्रियाँ होर कवर कर लैंदा ये इसी दे विच ही, तो मैं ट्रैवल भी अपना जोड़े मतलब ट्रैवल के जो चार्जिज हैं वो भी नहीं देने पैंते, तो मेरे जड़िया दो कंट्रियाँ होर मैं घूम फिर लेंदा। तो चलो कोई नहीं परमात्मा करेगा वाहगुरु जी करे फिर दोबारा होर किसी कंट्री अपना जिम्मे इटली है स्पेन है वाले कंट्रियाँ घूमना आ जाएंगे कभी प्लैन बना लाँगे। तो बाकी अपना यह कि सारे अपना तुम मेरे सबसक्राइबर खुश रहो, तो जी थानू इनफोरमेसन मैं दे रहा सारी ग्राउंड रियलिटी है, कोई ये अपना वो नहीं है, जो चीज़ मैं फील की है वो ही चीज़ मैं थोड़ा दस रहा है ना, जो एक्चुअल चार्जिज मैं सारा कुछ अपना जाके तो दिखा देना कि भाई ये ग्रोसरी का हिसाब किताब है या तुसी कैश पेमेंट या कार्ड पेमेंट तो कर सकते हो है ना सारा कुछ। तो बाकी होर जो किसी ने ना टिकटिंग का पूछना होएगा एयर टिकट्स किमें सस्तियाँ लै सकते हो, या फिर जे अगर किसी ने पूछना है कि वीज़ा अपना शैनगन वीज़ा किमें अप्लाई करना है, तो वो भी तुसी अपना जरा ना इंस्टाग्राम से या फिर मेरे अपना कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके पूछ लेना। तो उदी वैसे मैं सैपरेट वीडियो मैं सोची बनाऊँगा कि किमें फॉर्म फिलअप करना है तो किमें किमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं। मेरा जिमें बिजनेस है तो मैं बिजनेस के हिसाब न ज़्यादा दस सकता, बाकी जोड़े जॉब करते ना जॉब वास्ते भी मैं तुम दस दूँगा कि एक NOC वगैरह कंपनी तो चाहिए होंगी है, तो जोड़े थोड़े डॉक्यूमेंटेन है ना वो किमें मेनटेन होने चाहिए बिजनेसमैन के हिसाब न, ताकि तुहाडी एक प्रोफाइल वधिया स्ट्रोंग बन सके। तो जेकर एक होर चीज़ है जेकर तुहाडी मतलब फ्रैश पासपोर्ट से अप्लाई करना चाहते हो ना, तो मैं ये अपना मतलब तुहानू कहांगा कि शैनगन का वीज़ा लग जाता है फ्रैश पासपोर्ट से, लेकिन थोड़ी जी प्रोफाइल वधिया होनी चाहिए है। लेकिन अगर तुसी एक दो कंट्रियाँ हो आते हो जिमें तुसी थाईलैंड या फिर दुबई या सिंगापुर मलेशिया हो आते हो तो तुहाडे लई थोड़ा जिहा ना ईजी हो जाता है सारिया चीज़ा है ना। तो ये शैनगन वीज़ा बड़ा पावरफुल वीज़ा है, मतलब मैं यदि पावर देख ली है वो मैं तुम दसूँगा क्यों, क्योंकि शैनगन वीज़ा जरा ना तो पूरे यूरोप की कंट्रीज़ का एक
एक दरवाजा मतलब एक एक वीजे दे नाल तुसी किन्नियां कंट्रियां जड़ियां घूम सकते हो। ते हले मैं स्पेन, पोर्चुगल, जरा जर्मनी, इटली, ते होर जड़ियां भी नेबर कंट्रीज हगियां जड़ियां मैं हले नहीं गया वो भी कंट्रीज मैं घूम सकता सीगा, लेकिन टाइम दे अपना लिमिट दे हिसाब नाल फिर मैं जाना पैना है ना। वैसे मेरा वीज़ा जेड़ा ना 17 अक्टूबर नू एक्सपायर होएगा, लेकिन कुछ ऐसा काम है जेड़ा कि मैं 3 तरीक जाना पेगा, क्योंकि 3 तरीक जाके वो काम करके फिर मैं तुम दसूँगा वो वाला केड़ा काम से जिदे करके मैं मैंने पहले जाना पे इंडिया ना। तो जे वो वाला काम मतलब कि होंदा बाद चो तो फिर मैं अपना होर डेफिनेटली अपना जेड़ा ना एक दो कंट्रियाँ होर कवर जरूर कर लेंदा। बाकी तुसी सारे जिंदे बसते रहो, अपना खुश रहो सारे, ते जेड़े भी अपना घूमन फिरन का शौक अपना पूरा करना चाहते ने ते वो मैं अपना तुहानू तरीके दस दिना कि भाई किस तरीके नाल तुसी इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो। ये वाली कंट्रीज ना थोड़े जी लैंग्वेज बैरियरस बहुत हैं। स्पेन जाओगे तो स्पैनिश मिलेगी तुहानू, जे तुसी पुर्तगाल जाओगे तो उत्ते पुर्तगीज ज़्यादा बोलने वाले मिलेंगे। सर्वाइव करन वास्ते इंग्लिश वगैरह मतलब तुसी अगर बोल लेंदे थोड़ी बहुत तो वधिया गल है, लेकिन पुर्तगीज़ उत्थे दी मेजर जिहड़ी है ना लैंगुएज है। सैकेंडली जिदा अपना जिवें मैं हुण फ्रांस गया सीगा उत्थे फ्रेंच है, स्विट्जरलैंड दे विच डच है, बेलजियम दे विच फ्रेंच और डच ज़्यादा बोलते हैं, फ्रेंच और डच ज़्यादा है, इंग्लिश बहुत घट है ना। तो ये थोड़ा जि इहदे च लैंगुएज बैरियरस करके ना थोड़ा जहा इशू आता है। तो लग्जमबर्ग के मेरे ख्याल लग्जमबर्ग की कोई लैंग्वेज है वो बोली जाती है, जर्मन जाओगे तो जर्मनी जाओगे तो जर्मन बोलनी पेगी, आ चीज़ा का थोड़ा लैंगुएज बैरियर है। बट कैनेडा जो तुम जाते हो ना इंग्लिश पंजाबी सब चलता है, उत्तर फ्रेंच है उत्तर ऑफिशियल, बट तुम इंग्लिश बाकी पंजाबी कम्यूनिटी उत्थे इन्नी है, हिंदी अपना जो इंडियन लोग हैं बहुत सारे हैं इंडिया के ना, तो तुम उत्थे सर्वाइव कर लेंगे हो। तो जिहड़ा US है US दे विच भी इंग्लिश बोली जाती है, या फिर आयरलैंड चले जाओ या फिर तुसी UK चले जाओ सब उत्थे इंग्लिश ही चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश चलती है उत्थे, तो उत्थे दी अपना तुहानू इदां कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट ये है कि तुहानू उत्थे दा एक्सेंट जिहड़ा ना समझ आना चाहिए। इत्थे ना मैनू दो होर सोलो ड्राइवर मिल रहे थे, दोनों कुड़ियां सीगियां, तो उन्हां दी जिहड़ा एक्सेंट है ना वो बड़ा मतलब कि फास्ट है थोड़ा जिहा इंडिया के हिसाब नाल। बाकी मैं उन्हां दे नाल भी अपना थोड़ा एक्सप्लोर किया है, तो जे मैं मतलब कम्यूनीकेट किया अपनी गल समझाई है, उन्होंने गल समझी है, सारा कुछ इंग्लिश के अपना चलता रहा है। तो जदों तुसी इन्हां दे टच विच आते हो ना, कोई भी इंग्लिश नेटिव स्पीकर होंदा है उन्होंने टच विच आते हो, तो तुहाडा अपने आप जिहड़ी जिहड़ी कह लो फ्लुएंसी जिहड़ी है ना वो बनन लग जाती है, और तुहाडे अंदर अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। हले तो मैंने 2-4 दिन अपना हुए ने, लेकिन इन्हां नाल मैं 1 दिन ही अपना ट्रैवल किया सीगा जिहड़ा मतलब नियर बाय अट्रैक्शन सीगे बेलजियम दियां। तो बाकी जे तुसी इत्थे अपना किसी नेटिव स्पीकर इंग्लिश स्पीकर वाले नाल या फ्रेंच वाले नाल रहिंदे हो जिन्हों जो तुहाडे नाल मतलब कम्यूनीकेट कर रहे हैं, तो तुसी फ्रेंच भी सीख जाओगे, या तुसी इंग्लिश नहीं बोलना चाहते नहीं अपना पता तुहानू इंग्लिश दा फ्लुएंसी दा एक्सेंट दा, तो तुहाडा एक्सेंट भी धीरे धीरे उदा ही बन जाएगा, और तुहानू 1-2 महीने 3 महीने बाद समझ में आएगा कि तुहाडा लैवल किवें अप हो गया, तुहानू पता ही नहीं चलिया है। तो ये चीज़ा आ गई ने। तो बाकी हुण ट्रेन का एक स्टेशन आया है, तो ये अपने थोड़े टाइम तक अपना पहुँच जाएगी ट्रेन, टाइम इधरों पता नहीं चलेगा, मेरी घड़ी लगी हुई है चार्जिंग ते। तो हुण बाकी अपना जी बेलजियम जाके अगे का ब्लॉग बनावांगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं मतलब चाहता सीगा जो मैं घूमया फिरिया है ना, तो एक वीडियो दे विच मतलब बैठ के मैं तुहानू एक शॉर्ट दे विच सिंपल तरीके नाल समझाने की कोशिश की है कि जे तुसी शेंगन आते हो तो तुहाडे वास्ते सारे अपना कंट्रीज खुलियां ने, घूमो फिरो अपना, जे तुहाडा होर अपना जे किधरे जाण दा मन है कैनेडा दा US दा, तो वो उस हिसाब नाल अपना तुहाडी प्रोफाइल वधिया होनी चाहिए है, ताकि तुहाडा जिहड़ा ना वीज़ा जिहड़ा मतलब फस्ट उहदे ते आ जाए है ना। तो आ चीज़ है। तो बाकी तुसी सारे खुश रहो, तो इदां ही तुसी मैनू अपना प्यार ते सपोर्ट करते रहना, तो इसी तरीके नाल ब्लॉग्स वगैरह बनाते रहेंगे, इनफॉर्मेशन देंदे रहेंगे जिहड़ी मैनू नॉलेज है, तो मैं अपनी नॉलेज तुहाडे नाल शेयर करांगा है ना। तो मैनू भी अपना कुछ ना कुछ इत्थे लोकां नाल मिलदा, मैनू भी कुछ ना कुछ सीखण नू मिलदा है, तो वो सारी चीज़ा क्लब करके ना तो एक शॉर्ट वीडियो वगैरह बना के इनफॉर्मेटिव वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर पाने की कोशिश करूँगा, ताकि सारे सज्जन मित्रां नू अपना जिहड़ी है ना वधिया इनफॉर्मेशन मिल जाए, तो सारयां दे जिहड़े घूमण फिरन दे सुपने बाहर जाण दे सुपने पूरे होण जिन्हां दे भी सुपने हगे ने। तो तुसी सारे खुश रहो, तो अपना मिलते हैं हुण बेलजियम दे
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਈਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪਸ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਨਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਲਵ ਐਂਡ ਯੋਰ ਸਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਊਂਟੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਨਟ ਮੇਡ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਬਟ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਾਊਂਡ 80-100 ਯੂਰੋ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਬੈਠੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਕਨ ਸ਼ੋਰਮਾ ਜਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 15-20 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਗੇਮ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਸ ਹੋਕੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ 1 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 17 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ 17 ਯੂਰੋ ਦੇ 30 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ
होटल से ना उत्थे तो कुछ भी मतलब कि इदा सारिया दुकाना बंद सी। इहदा मतलब मेन मार्केट जिहड़ी है तुसीं कह लो अपना मॉल रोड जिहड़ी टूरिस्ट वास्ते बनाई हुई है जिहड़ा मेन सेंटर है ना वो ये है। लाइन वाइज सारे अपना रेस्टोरेंट्स बैफल दे आइसक्रीम दे रेस्टोरेंट्स बार ड्रिंक्स कसीनो वगैरह भी है एक लाइन के ना इतने अंदर जाके कसीनो वगैरह भी बनया हुआ। यह बर्गर किंग तुसीं देख सकते हो बर्गर किंग भी जिहड़ा ना वो हैगा इत्थे मैकडोनल्ड्स भी है। काफ़ी सारे ब्रांड मैं इदा के देखे जेडे इंडिया के है मतलब इंडिया के भी है लेकिन मोस्टली जेड़ा ना इत्थे मतलब कि दूसरे ब्रांड्स है मतलब जेडे यूरोपियन कंट्रीज चलते हैं वो वाले ब्रांड है। तो यह है गाइज इत्थे ब्रूसल का ना एक जेड़ा कसीनो कह लो कसीनो गेम एंड जिनेस के नाते है। तो सारा अंदर मेरे ख्याल एंट्री वगैरह का की हिसाब किताब है कुछ पता नहीं लेकिन जहाँ को नोट वगैरह होंगे खुले तो वो ही जाते हैं अंदर खेडते हैं। बाकी अपना अंदर वैसे अपना देख जाना तो देख जा सकते हैं पता नहीं ये अलाउ करते नहीं करते कैसीनो दे विच। ते मैं तो कभी गया नहीं कैसीनो जे अलाउ करनगे तो फस्ट टाइम अपना चले जाएंगे देख आवेंगे किदा का कैसीनो है ना। इस तरीके से ना मशीनस वगैरह पई हुई ने ये मेरे ख्याल पुराने टाइम दियाँ पड़गियाँ जड़ा कह लो ओल्ड ट्रेडिशनल जड़िया गेम्स वगैरह होंगे ना मैं ये देखते सके जड़े टी वी शोज़ वगैरह आते ना वो री रेस्टोरेशन करके आते सके तो वो इदा के आते हैं और इतने तुम स्कैन करके तो सारी डिटेल वगैरह देख सकते हो। इंस्टाग्राम भी इन्होंने दिता हुआ है गोल्डन पैलेस के नाते है 24 आवर्स जोड़ा है ओपन है तो पता नहीं अंदर अलाउ करते नहीं करते। तो बाकी आप इधरों बना लिए वीडियो कोई चक्कर वाली गल नहीं गी। हाँ जी तो मैं ना इन चीज़ों का शौक है नहीं गा कसीनो का बार का है ना तो ना अपना बीयर वगैरह पीण का ना ड्रिंक वगैरह करन दा आपां यार सिंपल जे बंदे हैगे आ ते चलदे चलदे अपना जिहड़ी चीज़ हुण बस चिकन शौरमा खा लिया डिनर हो गया मेरा ते होर कुछ नहीं खाना बस वह भी मैं पहले खा लिया क्योंकि मैंने पता मैं हले 1.5-2 किलोमीटर ना वॉक करनी है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो एको दम खा के भी अपना इदा नहीं कि भाई जाके अपना होटल जाके सोचवा ये हिसाब किताब है। तो बाकी अपना बस इधरों एक चक्कर लगा लगा जरा होटल चला जाऊँगा जिहड़ी चीज़ वधिया मिलेगी तो वो चीज़ कर लाँगा। हुण जिवें गए ना बंदे इन चीज़ों का ना ध्यान थोड़ा जिहा रखना पैंदा है। तो जदों तुसीं पैरिस होवो ना तो जदों तुसीं मैट्रो दे हुंदे हो दरवाजे ते बिल्कुल कोल खड़े हो के तुसीं अपना फोन नहीं अपना देखना या बैग वगैरह तुसीं कोई इदा जिवें हुंदा ना गर्लिश बैग या कोई स्टाइलिश बैग है ना तो मतलब दरवाजे तुहाडा स्टेशन आया तुसीं तां खड़े हो दरवाजे दे कोल अदरवाइज तुसीं थोड़ा जिहा साइड होके खड़े हो। उहदा रीज़न ये है कि ना कई बारी कोई पिक पॉकेटर्स वगैरह जिद्दां आंदे है ना तो बैग वगैरह या अपना फोन वगैरह खिंच के तो अपना उसी टाइम भज जाते हैं क्योंकि उन्होंने आइडिया होंगे कि दरवाजा ना बंद होने वाला है या कुछ ऐसा या मैट्रो चलन वाली है। तो ये चीज़ों का थोड़ा जहा ध्यान रखना बस। तो बाकी बाबा जी तो सारे के नाल होंगे ही है। हूँ मैं इधरों थोड़ा जहा राउंड लगा के बाकी देखना अगर कोई होर चीज़ मिल गई तो ठीक है नहीं तो फिर अगे अपना जोड़ा ब्लॉग कल नैदरलैंड का बनेगा। ठीक है जी हाँ मेरे ख्याल ना ग्रैंड पैलेस है तो राती जिहड़ा ना लाइटिंग वगैरह हो रही है तो कितना वधिया लग रहा इत्थे इना डिफरेंट कलर दी अपना इधर लाइटिंग वगैरह हो रही सी। यही है मेरे ख्याल ग्रैंड पैलेस ही है। इत्थे ना मैं होमलैस पीपल राती हो मतलब रात के टाइम तो बहुत देखे हैं मतलब तुसीं कह लो कोई ब्रदर सिस्टर होंगे या हसबेंड वाइफ होंगे वह भी मतलब कि होमलैस इधर बैठे हुए। ओह माय गॉड आ देखो क्या नज़ारा यार इतने ना दिन आए थे अपना उस दिन एक दो दिन पहला तो खाली पिया से नाले धुप बहुत सी है ना हूँ तो लाजवाब है देखो। हाँ जी गाय से बस हूँ ब्लॉग इतने एंड कर दें क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा सवेर तो लैके शाम रात तक ही अपना सारे वीडियोज़ वगैरह क्लब करके। तो बाकी थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू कि तुसी अपना ब्लॉग नू अपना प्यार दवो चैनल नू अपना प्यार दो तो मेरे नाल अपना जुड़े रहो तो रब तुहानू चढ़दी कला दे विच रखे सारे मेरे व्यूअर्स नू थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।